गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले बैंक, पैसे एक अकाउंट से निकालने और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि एटीएम भी बहुत दिन से चलाया नहीं है, तो वो भी काम हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले जाते हैं बैंक। तो भाई ये रही अपनी बिल्लो रानी, बड़ी प्यारी गाड़ी है, 2021 तो गया। ये देखो भाई साहब, मोटर का कनेक्शन कैसा इधर से घूम कर दिया है ताकि करंट ना लगे, नीचे पानी होता है ना, इसीलिए। तो गाइस बैंक तो मैं जाकर आया था, उसके बाद मैं आया घर पर और मामी को लेकर आया हूँ हॉस्पिटल में। मतलब पिछले 1.5 घंटे से बैठा हूँ मैं हॉस्पिटल में और 40वां नंबर है भाई। ये देखो ये हॉस्पिटल, ये देखो ये सारे जो पेशेंट है ना, सब लाइन में लगे हुए पेशेंट। अंदर तो वीडियो निकालना अलाउड नहीं है। ये देखो ये जितने सारे चप्पल पड़े हैं ना, ये इस हॉस्पिटल के, और ये वाले जो चप्पल पड़े ये इस हॉस्पिटल के, ये बच्चों का हॉस्पिटल है शायद। अब आप हॉस्पिटल का सिस्टम पूछो मत ना, मतलब ये बिजनेस बन चुका है आजकल। सेवा करने कोई नहीं रहता, सबको पैसा चाहिए, पैसे के लिए। भाई मैंने पूछा कि भाई इमरजेंसी में दिखाना है तो बोलता है 1000 रुपये, और नॉर्मल में दिखाया 2-3 घंटा बैठना पड़ेगा। मतलब मैं 10 बजे से आया हूँ, अभी बज चुके हैं 12:21, मतलब 12:30 हो गए, 2.5 घंटे से बैठा हूँ। सोचो अभी मेरे आगे 2 पेशेंट और है भाई। ये जो सामने मशीन लगी है ना, शायद किसकी मशीन है पता नहीं, लेकिन 100% उसके जो रूम होगा ना, ये ओटी रूम होगा, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसी मशीन लगी है ओटी में। और ये ओटी का एसी, इनके एसी अलग रहते हैं, ये नॉर्मल एसी और ये ओटी वाला एसी। ये और उस साइड भी शायद एक लगा होगा। मतलब ये देखो भाई, और एक कलाकारी, जब तक ये साला गुटखा मसाला ये बैन नहीं होता ना, तब तक हिंदुस्तान कभी नहीं सुधर सकता। ये देखो ये जा, देखो ये अजय सर के फैन पड़े, ये देखो ये दिख रहा है सबको, पूरे हिंदुस्तान को पता है किसका पाकेट है। ये देखो भाई यहाँ भी कलाकारी की हुई है सबने। जब तक ये गुटखा और ये ऑनलाइन गेम है ना, तब तक भारत का यूथ बर्बाद ही है भाई, सच बता रहा हूँ। फालतू के कितने लोगों के पैसे बर्बाद होते हैं इसमें, ये जहर में और ये ऑनलाइन गेम में। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं अभी घर पर, जस्ट अभी कितने बजे आए, 3:30 बजे तो डॉक्टर के पास गए अंदर, उसके बाद दिखाया तो कान में हो गया इन्फेक्शन। तो डॉक्टर ने कुछ नहीं, तो 2 मिनट के लिए चेकअप किया और 2 मिनट के लिए गोलियाँ लिख के दी, बस सिर्फ 4 मिनट के लिए 4 घंटे वेट करना पड़ा। 4 घंटे नहीं, उससे भी ज़्यादा, सुबह 10 बजे गए थे, 3:30 बजे नंबर आया। सोचो 40 लोग थे हमारे आगे। बाप रे, आज तो इतनी हालत टाइट हो गई ना, पूछो बैठे बैठे घंटा ला गया। तो वो आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।